बुरहानपुर के राजपुरा इलाके में स्थित निजी स्कूल वैदिक विद्यापीठ के क्लासरूम की अचानक छत जा गिरी। इस हादसे में एक 4 वर्षीय छात्र दब गया, जिसे तत्परता से सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। हादसे के बाद नगर निगम के अमले ने पूरे कक्ष को जमींदोज कर दिया। इस हादसे से नगर निगम की बारिश के पूर्व जर्ज भवनों को चिन्हित किए जाने के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल इस स्कूल में सुबह की शिफ्ट में नर्सरी से प्राइमरी स्कूल संचालित होती है, जबकि दूसरी पाली में माध्यमिक व हाई स्कूल संचालित होती है। नर्सरी के बच्चों की छुट्टी होने के बाद 3 बच्चे अचानक ही इस क्लासरूम में चले गए और तभी अचानक भरभराकर क्लासरूम की छत बैठ गई। आवाज सुनकर 2 बच्चे तो क्लासरूम से भाग निकले, लेकिन जितेंद्र नामक छात्र क्लासरूम में लोहे की बेंच के नीचे खुद बचाने के लिए चला गया, लेकिन पूरा मलबा लोहे की बेंच पर आ गया। हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन व आसपास के रहवासियों ने मलबे में दबे बच्चे को सुरक्षित निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अपनी तसल्ली के लिए कि कोई और बच्चा मलबे में ना दबा हो, लिहाजा पूरे मलबे को बाहर किया। इसके बाद नगर निगम के अमले ने जेसीबी की मदद से पूरे क्लासरूम में जमींदोज कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद नगर निगम की बारिश के पूर्व जर्ज मकानों को चिन्हित कर उन्हें धराशायी करने की पोल खोल कर रख दी है। जिला प्रशासन ने नगर निगम को नए सिरे से जर्ज मकानों खासकर स्कूल भवन के निरीक्षण करने को कहा है। रिपोर्ट बाय जिला बुरहानपुर से रेखा लहासे।